देश किस दी बनेगी सरकार, बस हुन 24 घंटिया का इंतजार। कल सवेरे 8 बजे शुरू होवेगी काउंटिंग। न्यूज 18 ते पहले नतीजे तो सरकार बनन तक सब तो वड्डी कवरेज। नतीजा तो पहला चोन कमीशन दी वड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वोटिंग तो लेकर रिजल्ट तक विरोधियों ने चुके ने कई सवाल। ईवीएम्स तो पहला पोस्टल बैलेट दी काउंटिंग दी कीती है मांग। रिजल्ट तो पहला एग्जिट पोल से सियासी कमसान जारी, कांग्रेस ने नकारे आंकड़े। केजरीवाल ने वर्कर्स नु कहा अखीर तक करो ईवीएम से वीवीपैट दा मिलान, तब बीजेपी बोली कल दूर हो जाएगा विरोधियों दा भ्रम। मुड़ जलंधर तो बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार, रिंकू नाल दिखे शीतल अंगुराल। कल विधायकी तो इस्तीफा वापस लेने लई स्पीकर नु लिखी सी चिट्ठी, अपने सोशल मीडिया अकाउंट तो भी हटाया सी मोदी का परिवार वाला टैग। चोणा खत्म होंदिया ही लोगों नु लग्या महंगाई दा वड्डा झटका, अमूल ने वधाए दुध दे रेट्स, 2 रुपए प्रति लीटर महंगा होया दुध। पंजाब चाज तो महंगा होया सड़क ते सफर, अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे ते बने टोल होए महंगे, सफर लई चुकाने पैणगे वध पैसे। सलमान खान दे घर ते फायरिंग केस, पंजवा मुलजम गिरफ्तार, हरियाणा दे भिवानी तो जानी वाल्मीकि नु कीता काबू, मुलजम नु 5 जून तक ट्रांजिट रिमांड ते भेजे। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਕੜ ਤਿਆਰੀ। ਚਾਰ ਜੂਨ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਤੇ ਸਟੀਕ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। सत श्रीकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा। देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते गल करांगे 18वीं लोकसभा की, जिसकी कि चोणों का शोर थम चुका है ते हुन बेसब्री दे नाल इंतजार किया जा रहा है रिजल्ट्स का, यानी कि नतीजों का। कल कल 4 जून है ते कल देश की जनता का फतवा आएगा। कल सवेरे 8 बजे तो वोटों की गिनती शुरू होगी, वोटों की काउंटिंग शुरू होगी। चोन कमीशन ने तैयारियां इस बाबत पूरी मुकम्मल कर लिया ने। दस के देश 7 गेड़ा च वोटा पईआं ने। 1 जून नूं अखीरला फेस सीगा जदों कि पंजाब दे वलों वी 13 लोकसभा सीटां ते वोटां पईआं गईआं सीगीआं। जे असीं पर्टिकुलरली पंजाब दी गल करीए ते पंजाब च 62.8% वोटिंग हुई सी। बठिंडा च सब तो वध 69.36% वोटिंग हुई सीगी। अमृतसर च सब तो घट 56.06% वोटिंग हुई सीगी। हालांकि इह फाइनल आंकड़ा नहीं है, इस कुछ बदलाव भी हो सकता है। ते कल न्यूज 18 दी सवेरे 6 बजे तो महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, महज 24 घंटे ही बचे ने। कल इस दौरान सब तो पहला जो पहले आंकड़े शुरू हो जाएंगे, 8 बजे वोटा दी काउंटिंग शुरू होनी है। न्यूज 18 लगातार महा कवरेज करेगा। 23 घंटे 56 मिनट 52 सेकेंड का ही जो समा है वो बचा है, किसकी सरकार बनेगी आ तय हो जाएगा। जनता ने पिक एंड चूज कर लिया, ईवीएम दिग्गजा की किस्मत तय हो चुकी है। कल क्लियर हो जाएगा कि जनता किस नु अपना लीडर चुनन जा रही है। हालांकि जे असी एग्जिट पोल की गल करिए, एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए नु बढ़त मिल रही है, 350+ सीटा एनडीए के खाते जा रहे हैं। आम महज एग्जिट पोल के नतीजे कहते हैं, एग्जिट पोल्स का आंकड़ा कहता है। हालांकि इंडिया गठजोड़ एग्जिट पोल्स च पिछड़ रही है। जे असी गल करिए, इंडिया गठजोड़ के वालों तमाम एग्जिट पोल्स नु सिरे तो नकारिया गया है। इस विचाले सरकारी आंकड़े इस नु करार दर्ज किया गया है। ते इंडिया गठजोड़ की गल करते, इंडिया गठजोड़ ने दावा किया है कि इंडिया गठजोड़ इंडियन नेशनल डिवेलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जो 28 पार्टियां तो वध दा गठजोड़ है, उन्होंने 295+ यानी कि 295+ सीटा हासिल होंगे। हालांकि कल ही पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि जो जनता है, जनता ने किस लीडर नु चुना है, अगले 5 साल के लिए जनता ने किसने अपना फतवा दिता है। जे असीं गल करिए 18वीं लोकसभा दे लई चोणां दा शोर थम चुका है ते बेसब्री दे नाल इंतजार किया जा रहा है 4 जून दा, यानी कि कल दा मंगलवार दा। कल 8 बजे ही दस के वोटां दी गिनती शुरू हो जाएगी। न्यूज 18 दी महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। सवेरे 6 बजे तो न्यूज 18 लाइव महा कवरेज जारी करेगा, पल पल दी अपडेट, पल पल दी जो आंकड़े ने अपने दर्शकों नाल व्यूअर्स नाल सांझे करन जाणगे। ते न्यूज 18 इस दे विचाले दस रहे कि एग्जिट पोल जो सामने आए ने उसके नतीजे की कुछ कहंदे ने। 543 सीटां ने लोकसभा दीआं, एनडीए नूं 355 तो 370 सीटां मिल रहीआं ने। आ एग्जिट पोल दे नतीजे कह रहे ने। हालांकि जो इंडिया गठजोड़ है वह पिछ चढ़दा होया विखाई दे रहा है। जे असीं पंजाब दी गल करिए, पंजाब दीआं 13 दीआं 13 सीटां ते जो पंजाब कांग्रेस है उसनू बढ़त मिलती हुई विखाई दे रही है। बीजेपी नू 2 तो 4 सीटा मिलन का अनुमान जताया जा रहा है एग्जिट पोल्स के अकॉर्डिंग। जे असीं कांग्रेस की गल करिए, कांग्रेस 8 तो 10 सीटा उसनू मिल रही ने।
आम आदमी पार्टी नूं 0 to 1 सीट मिल सकती है ते श्रोमणी अकाली दल दे खाते च कोई भी सीट नहीं आई, यानी कि 0 सीट श्रोमणी अकाली दल नूं मिलन जा रही है। एग्जिट पोल दे आंकड़े आ दर्ज कर रहे ने, बयान कर रहे ने। हालांकि काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं, 23 घंटे 54 मिनट 40 सेकंड का ही समा बचा है। न्यूज 18 अपनी महाकवरेज लगातार जारी रखेगा। कल सवेरे 6 बजे तो पल पल दी अपडेट अपने दर्शकों नाल सांझी कीती जाएगी। कल सवेरे 8 बजे तो वोटा दी गिनती, वोटा दी काउंटिंग शुरू होएगी। चोन कमीशन ने हालांकि इस बाबत अपनी पूरी तैयारियां कस लिया ने। इस विचाले देश 7 गेड़ा च वोटा पईयां सीगियां। पहला गेड़ 19 अप्रैल नूं शुरू होया सीगा, 7वां गेड़ यानी कि 1 जून नूं होया सीगा, जो कि पंजाब दे वलों भी वोटिंग पाई गई सीगी, वोटा पाईयां गईयां सीगियां। पंजाब च जो है कसवी फाइट नजर आ रही। नतीजे तो पहला अच्छ चोन कमीशन की अहम ते वड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस होन जा रही है। दस के 12:30 बजे चोन कमीशन दे वलों प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। विरोधियों ने कई तरह के सवाल या निशान खड़े किए ने। इस विचाले वोटिंग फीस देरी दे नाल जारी करन नूं लेके भी कई तरह के सवाल या निशान जो ने विरोधियों के वलों चुके गए ने। वोटिंग फीस नूं लेके सवालों ते भी जवाब दे सकते ने। इस विचाले इलेक्शन कमीशन ईवीएम तो पहला पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की मांग जो है ओपोजिशन दे वलों की गई है, विरोधी धिर दे वलों की गई है। इस बाबत 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे वलों। दस के कल 4 जून है, कल नतीजे भी ऐलाने जाने। हालांकि इलेक्शन कमीशन दे वलों जो सारी तैयारियां ने वो मुकम्मल कर लिए गए ने, सारी तैयारियां ने वो कंप्लीट ने। जो स्ट्रोंग रूम्स ने उन्होंने 3 लेयर सिक्योरिटी की गई है, स्ट्रोंग रूम्स की मल्टी लेयर सिक्योरिटी है, पैरामिलिट्री मौके पर मौजूद है, पंजाब पुलिस तमाम जो मौजूदा स्थानिक पुलिस है उसके निगरानी के हेठ ही स्ट्रोंग रूम्स की निगरानी की गई है। इस विचाले जो विरोधियों ने कई तरह के सवालिया निशान खड़े किए ने। वोटिंग फीस देरी नाल जारी करने लेके भी सवालिया निशान विरोधियों के वालों खड़े किए गए ने। वोटिंग फीस लेके सवालों से भी जवाब देते जा सकते हैं। ईवीएम तो पहला पोस्टल बैलेट काउंटिंग की मांग जो विरोधियों के वालों की गई। चोन कमीशन ने पंजाब दी वोटिंग दा नवा डेटा जारी किया है। दस दें कि जो आंकड़ा है वो अपडेट किया है। इस विचाले पंजाब दा वोटिंग डेटा तुसीं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हो। बठिंडा की असीं गल करीए, बठिंडा च 69.36% वोटिंग दर्ज की गई। हालांकि सारे पंजाब दा जो डेटा है वो 62.80 जो है वो दर्ज किया गया है। पर्टिकुलरली जो बठिंडा की असीं गल करिए 69.36% वोटिंग दर्ज की गई है, यानी कि टॉप किया है बठिंडा ने। फिरोजपुर भी सरहदी इलाका है, उस फिरोजपुर च 67.02% वोटिंग दर्ज की गई है। गुरदासपुर भी सरहदी इलाका है, गुरदासपुर च 66.67% वोटिंग दर्ज की गई है। तो टेलीविजन स्क्रीन पर तुम देख पा रहे हो, टेलीविजन स्क्रीन पर पूरे पंजाब का डेटा असं जिक्र कर रहे हैं। 62.80% दर्ज किया गया है, बठिंडा च 69.36% वोटिंग दर्ज की गई है, फिरोजपुर च 67.02% वोटिंग दर्ज की गई। हालांकि 1 जून को वोटा पईयां सीगियां। गुरदासपुर च 66.67% वोटिंग दर्ज की गई है। जे असीं संगरूर की गल करिए तो संगरूर च 64.63% वोटिंग दर्ज की गई है। जो आंकड़ा है काफी इस बार लो है, क्योंकि जैसे पिछली बार की गल करिए पिछली बार 69.70% पंजाब च वोटिंग हुई सी। अगे वधांगे ते गल करांगे पटियाला लोकसभा सीट दी, पटियाला लोकसभा सीट च किन्नी वोटिंग दर्ज की गई है। पटियाला च 63.63% वोटिंग दर्ज की गई है। फरीदकोट जो रिजर्व सीट है, फरीदकोट च भी 63.34% जो है वोटिंग दर्ज की गई। वक्त वक्त लोकसभा सीटा ने पंजाब दियां उसका जिक्र कर रहे हैं। खडूर साहब जो पंथक सीट है, खडूर साहब च 62.55% जो है वोटिंग दर्ज की गई है। फतेहगढ़ साहब सीट है, रिजर्व सीट है, इतने 62.53% वोटिंग दर्ज की गई है। पंजाब का वोटिंग टर्न आउट है, वोटर टर्न आउट है कि वोटर्स दे वलो किन्नी पर्टिकुलर जो विधानसभा हल्के ने वक् वक् पर्टिकुलर लोकसभा सीट से पेंदे ने उसका डेटा असी साझा करें। खडूर साहब से 62.63%। अगे वधन गल करें श्री आनंदपुर साहब की, श्री आनंदपुर साहब च 61.98% वोटिंग दर्ज की गई है। इलेक्शन कमीशन दे वलों फ्रैश आंकड़े जारी किए गए हैं, उसका असं जिक्र कर रहे हैं। लुधियाना जी असं गल करिए तो टफ फाइट है, इतने 60.12% वोटिंग दर्ज की गई। हालांकि घट आज आंकड़ा है सामने आया है, वोटर टर्नआउट किस विधानसभा हल्के च जो लोकसभा सीटा पैंदियां ने उत्थे किन्नी दर्ज की गई है उसका जिक्र असं कर रहे हैं। आनंदपुर साहब किन्नी, जलंधर च दस दिए कि 59.70% जो वोटिंग दर्ज की गई है। होशियारपुर रिजर्व सीट है, जिथे कि पीएम नरेंद्र मोदी के वालों रैली भी की गई थी, अखिली जनसभा को संबोधन उन्होंने वालों किया गया। इतने 58.86% वोटिंग दर्ज की गई है।
अगे वधांगे ते गल करांगे होशियारपुर सीट की। होशियारपुर 58.86% जो वोटिंग है वो दर्ज की गई है। अमृतसर का असं जिक्र करांगे, लोकसभा सीट का अमृतसर 56.06% वोटिंग दर्ज की गई। हालांकि जो अमृतसर है काफ़ी पिछड़े है, क्योंकि इतने वोटर जो टर्नआउट निकल के सामने आई है पंजाब सब तो घट वोटर टर्नआउट है। जैसे बठिंडा का असी गल करिए, बठिंडा सब ने टॉप किया है, बठिंडा सब तो वध वोटर टर्नआउट निकल के सामने आई है। जे असी 2019 लोकसभा चोणों का जिक्र करिए, 2019 लोकसभा चोणों च जो वोटर टर्नआउट सी पंजाब की 65.94% सी, वो घटी है माइनस यानी कि 3.14% इस बार दर्ज की गई है। 2024 जो लोकसभा चोणा हुई ने 1 जून पंजाब दे वालों अपनी वोटा भुगताई गई सी, उसका जो वोटर टर्नआउट निकल के सामने आया वो 62.80% है। यानी कि इस जो गिरावट है दर्ज की गई है, गिरावट है -3.14%। हालांकि गर्मी काफ़ी सी, पर इलेक्शन कमीशन के वालों पुख्ता इंतजाम किए गए थे, पर इस दे विचाले जो वोटर टर्नआउट है वो हेठा दर्ज की गई है, -3.14 दर्ज की गई है। इलेक्शन कमीशन के वालों फ्रेश डाटा जो है जारी किया गया, उसका जिक्र असं करें कि वक्त-वक्त जो लोकसभा सीट्स ने वक्त-वक्त लोकसभा सीट से वोटर टर्नआउट निकल के किन्नी सामने आई है। 2019 हालांकि आज जो आंकड़ा सीगा डेटा सीगा वध सीगा 65.94% सी, तो 2024 आ कट गया 62.80% रह गया, तो -3.14 की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। पंजाब का वोटिंग डेटा तुम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो वोटर टर्नआउट पंजाब का 62.80% दर्ज किया गया है। बठिंडा ने टॉप किया है 69.636% जो वोटर टर्नआउट है, कला बठिंडा का दर्ज किया गया। यानी कि बढ़ चढ़ के इतने लोगों के वालों अपने वोटिंग हक का, अपने जमहूरी हक का, डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल किया गया। फिरोजपुर सरहदी सीट है, इतने भी 67.02% वोटर टर्नआउट निकल के सामने आई है। अगे वधांगे ते गल करांगे गुरदासपुर लोकसभा सीट की। गुरदासपुर लोकसभा सीट से 66.67% जो वोटर टर्नआउट है वो निकल के सामने आई है। संगरूर 64.63% वोटर टर्नआउट दर्ज की गई। तीसरे विचाले पंजाब का वोटिंग डेटा की कुछ है, तुम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वेख पा रहे हो, किसकी सरकार बनेगी। हालांकि आ तय होएगा काउंटडाउन, तुम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वेख पा रहे हो। 23 घंटे 47 मिनट महज 19 सैकेंड ही बचे ने, जो कि देश की जनता हालांकि तय कर चुकी है कि केड़े लीडर नू अगले 5 साल लिए उसने अपना लीडर चुना। हालांकि जो उन्होंने किस्मत है तमाम आगुआ की, वो ईवीएम मशीन कैद। उधर एग्जिट पोल्स नू लेके कमसान लगातार जारी ने, विरोधी इस ते सवाल चुक रहे ने। राहुल गांधी ने तो इस नू पीएम मोदी का फैंटसी पोल तक करार दिता, जदों की बीजेपी का कहना है कि कल तक विरोधियों का भ्रम दूर हो जाए। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। वो अब बीजेपी क्या कहती है और एग्जिट पोल क्या कहते हैं मेरे को इसका तो मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। जो एग्जिट पोल है वो तो ये भी कह रहा है कि हम 2 से 3 सीट बीजेपी ले जाएगी, 2 से 4 सीट पंजाब के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि 1 भी सीट बीजेपी पंजाब में ले पाएगी। तो बहुत से लोगों का बहुत सारा, और कौन चलाता है एग्जिट पोल आपको पता ही है कैसे होता है एग्जिट पोल। मैंने पहले जो कहा था, सबसे बड़ी पार्टी होगी, सबसे बड़ा नंबर होगा कांग्रेस पार्टी का। एग्जिट पोल कुछ भी बताए, पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हिंदुस्तान के जो वोटर्स हैं वो 10 साल का जो झूठा और जुमलेबाजी
को समझ गए हैं, अब वो उसमें नहीं आएंगे। उनको है कि देश को कैसे आगे लेकर जाना है, किसानों के जो MSP है, जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, जो किसानों को घुसने नहीं दिया गया, ये सभी बातें उनकी है। आप देखिए कि अगर हम करेंगे वो कास्ट पर मांगेंगे वोट, वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पोल तो अलग बात है, पोल तो लोग हैं, 4 तारीख को इंतजार करेंगे, आप सामने आ जाए। लेकिन हरियाणा का भी 6-4 का जो है वो दिखाया, हरियाणा हो चाहे कोई हो, 4 तारीख की इंतजार करो, ये सब नहीं कोई जरूरत है, लोग फैसला करेंगे वो मंजूर हमारे को। इससे भी चौंकाने वाले आपने आ सकता है, मतलब 4 तारीख दूर नहीं हैगी है, 4 तारीख सारे मतलब दुध दुध पानी का पानी हो, केड़ा बंदा किन्ने पानी च हैगा है, वो 4 तारीख साफ हो जाऊगा। मैं अज दी तारीख तुहानू कह सकदा कि असीं सीट जित्तांगे और बड़े मार्जन नाल जित्तांगे, जिहड़ा कि पंजाब शायद सब तो वध मार्जन होगा। और मुकाबला तुहानू किस दे नाल नजर आया, BJP नाल या आम आदमी पार्टी? किसी का मुकाबला नहीं है, 2-3-4 पोजीशन वास्ते इहदा आपसी मुकाबला हैगा जी, क्योंकि वह चीज जिहड़ी एग्जिट पोल जिहड़ा दे रहा वा वह पिछले लंबे 10 साल तो जिहड़े वह चैनल दे रहे ने जिहड़े पक्के तौर पर BJP दे ऑफिस तो चलते हैं, कहनू दूसरे प्राइवेट बंदे दे पर करदे उही ने जो आंदे ने। उन्हें जदों उन्होंने 10 साल इन्ना उन्हों का मतलब प्रचार किया, हुण 4 साल 4 दिन ना की 2 दिन रह गए ने, अज का कल का दिन है, परसों नतीजे आ जाने, हुण भी कहणगे भी असीं तो बढ़ाती, हुण लोग नहीं मन्ने की करिए, खीर ते ही होना ना, क्योंकि जिन्नियां भी सरकारां जिथे भी कितें स्टेट च बनिया ने जां कितें भी बनिया ने, उह सरकारां हमेशा ही जिहड़े कांग्रेस पार्टी दे जां उन्हां दे अंगेंस्ट बनिया ने, ते उह दा एंड तक यही कहिंदे रहे भी नहीं इतने BJP बनेगी जी, जां BJP लाइन के बंदे मतलब पार्टियां जो बन सरकार बनाएंगी। पहला तो देखो टक्कर सी दूजे ते आउण लई कल्ली खहरा साहब ते मान साहब की, हुण विच मैनू लगता है सारिआं चों ही कोई समझ नहीं आ रही भाई इन्हां चों दूजे ते जिहड़ा वह कौन आऊ। आम आदमी पार्टी एक पासड़ वड्डी लीड लैके जिहड़ी जित है वह दर्ज करेगी, दूजे ते कौन आउणा इह 4 दिन पता लगेगा। एग्जिट पोल की जो क्रेडिबिलिटी है वो कोई बहुत ज़्यादा भरोसेयोग नहीं है, हमेशा से हमने देखा है कि इवन 2022 में जब हमारी सरकार बनी है तब भी एग्जिट पोल हमको कोई 90 सीट कोई भी नहीं दे रहा था, तो इस बार भी आम आदमी पार्टी पंजाब में बड़ी 13 की 13 सीटें जीतकर बड़ी ताकत बनेगी, और देश में भी ये बड़ा स्पष्ट है कि NDA से लोग इस बार NDA को रुखसत करेंगे और इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी, और उसके बड़े वाजिब कारण हैं कि जो पूरा साउथ इंडिया है एक भी सीट BJP को नहीं आ रही, नॉर्थ ईस्ट से बहुत जो 25 सीटें हैं उनमें से कुछ 5 सीटें BJP को आ रही हैं, बिहार में बड़ा डेंट BJP डल रही है, ग्राउंड के रियलिटी कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है, शायद किसी दबदबा के थले गल हो रही। जिहड़ी गल भगवंत मान होरी करदे सीगे 13-0 वाली, एग्जिट पोल दे विच कहा जा रहा कि 2 सीटां जिहड़ियां पंजाब दीआं जां 3 इत्थे जे खड़े ने एग्जिट पोल आप लई, उस नूं किवें मंनदे हो, तुहानूं की लगदा हैगा? मैनूं अज वी लगदा कि मान साहब ने जिहड़ा वादा कीता सी 13-0 दा असीं उह पूरा करांगे, इह पूरा ही होण वाला है। कि जो गणना है वो तो 4 तारीख को होनी है और 4 तारीख को सामने आएगा कि क्या जनता ने क्या मतदान किया। और दूसरी बात क्या है कि ये 144 करोड़ लोगों के देश में कुछ हजार लोगों का सर्वे कराकर इस प्रकार का एग्जिट पोल देना, मैं समझता हूँ ये देश के लोगों को भ्रमित करने की एक प्रक्रिया है, और एक नहीं अनेक बार, मैं खासतौर से दिल्ली की अगर बात करूँ, हमारे बारे में तो ये एग्जिट पोल के नतीजे हमेशा गलत साबित हुए हैं। मुझे याद है जब हमारी 28 सीट आई थी तो 0 से 6 सीट दी जा रही थी आम आदमी पार्टी को 2013 में, जब हमारी 67 सीट आई थी तो हमको मैक्सिमम एक चैनल ने 25-28 सीट दी थी मैक्सिमम, और हमारी 67 आई। यही हाल 2020 के नतीजों में रहा। एग्जिट पोल के 2004 के नतीजे अगर आप उठा के देखेंगे, सारी जितनी भी एजेंसियां थीं वो सब के सब एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को जिता रही थी, NDA को जिता रही थी, और नतीजे क्या आए थे 2004 में, बिल्कुल उलट आए थे। देखिए एग्जिट पोल पे तो पूरा देश सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि इस बार 2 एग्जिट पोल है, एक जनता का एग्जिट पोल है जो तानाशाही की विदाई कर रहा है, और एक सरकारी एग्जिट पोल है
जो दोबारा सरकार बनाने के लिए घोषित हुआ है, तो फैसला तो 4 तारीख का होगा। सभी लोगों से हमारी यही अपील है कि काउंटिंग के दिन आखिरी समय तक काउंटिंग के पंडाल में रहें, जिससे कि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। सरकार तो मैडम बनी रही है, पर एग्जिट पोल्स आर ओनली एग्जिट पोल्स। और मेरा 2014 का और 2019 का हमारा यह अनुभव है कि जो ट्रेंड होता है वो एग्जिट पोल बता देते हैं, पर वो ट्रेंड कहाँ तक जाता है। अभी जो आपके एग्जिट पोल्स जो मैंने देखे हैं, वो सब कह रहे हैं कि हमारे कोई दो कह रहे हैं 310 आएंगे, एक कह रहा है 324 आएंगे, दो कह रहे हैं 350 आएंगे। मेरा ये मानना है कि इस फीडबैक पे ये बीजेपी की बाय इटसेल्फ या 330 या 345 या 350 के पास फिगर होगा, और एनडीए के जो हमारे पार्टनर्स हैं 37 पार्टनर्स, उनके मिला के विल बी क्लोज टू 400। पोल कांग्रेस गठबंधन एग्जिट पोल में अभी मृत्यु शैया पर दिख रही है, पर रिजल्ट के बाद देश की राजनीति में परिवारवाद, अहंकार, कुंठित मानसिकता से, भ्रष्टाचार से काम करने वाले कांग्रेस गठबंधन एग्जिट होने वाला है। और 2024 का लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक्सीलेटर पर है, जनता के आशीर्वाद से एक्सीलेटर पर है, कांग्रेस गठबंधन वेंटिलेटर पर है। अभी कुछ बहाने बनाए जाएंगे, अभी से शुरुआत होगी। गर्मी थी, ईवीएम खराब है, सनातन, भारतीय वोटर की मानसिकता आदि 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 आदि। पर यह निश्चित है कि भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में एक्सीलेटर पर है और कांग्रेस गठबंधन वेंटिलेटर पर है। 10 साल में जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में परिवर्तन हुआ है, भारत के गरीब के जीवन में परिवर्तन आया, भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से सुदृढ़ हुई, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई, भारत का सम्मान विश्व भर में स्थापित हुआ, और आम भारतीय के मन में यह संकल्प सुदृढ़ हुआ कि भारत विकसित हो सकता है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का बूथ पर बैठने वाले सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी लोग पूरी तरह से विश्वस्त थे कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से तीसरी बार फिर सरकार में आ रही है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए मानस बनाया हुआ था, और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए देश की जनता ने एक नारा दिया था, और वो नारा था अब की बार 400 के पार। और भारतीय जनता पार्टी उस संकल्प को, देश की जनता के संकल्प को सिद्ध करने के लिए मैदान में थी, इसलिए पहले दिन से हम विश्वस्त थे। राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को मोदी पोल बताया है। 295 सीटें आएंगी इंडिया गठबंधन की। देखिए, कांग्रेस के पास झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। झूठ बोलते हैं, मैं भी सुन रहा था उसकी बाइट, पत्रकार को कह रहे थे कहो गाना सुनो आपका वो गाना सुनवा रहा था पत्रकार, उसका ध्यान एग्जिट पोल की तरफ नहीं है। मैंने कहा है कि इस प्रकार की बातें करते हैं जिससे कि झूठ बोल करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का काम करते हैं। कल जो टेलीविजन पे सारे चैनल्स के एग्जिट पोल जो है, देश ने, मैं ये कह सकता हूँ, देश ने देश को जीता है, देश ने अपने आप को जीता है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत के साथ साथ मुझे गरीबों की, वंचितों की, वो सारी माताएं, माता बहनों की जीत है, जो कल लंबी कतार में पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में खड़े रह के वोट कर रही थी। एक एक मातृ शक्ति का वोट, एक एक बेटियों का वोट, फर्स्ट टाइम वोटर युवाओं का वोट, वो हर समाज का वोट कल मोदी जी पर गिर रहा था। और मोदी जी की जीत के साथ साथ मुझे जो दिखाई दिया कि देश की जीत है, देश अपने आप को जिता रहा है, और ये बहुत सुंदर। उधर एग्जिट पोल्स नु लेके कमसान लगातार जारी है, विरोधी इस ते सवाल चुक रहे थे। राहुल गांधी नेता इस नु पीएम मोदी दा फैंसी पोल तक करा देता, जो कि बीजेपी दा कहना है कि कल तक विरोधियां दा भ्रम दूर हो जाएगा।
ਤੇ ਜੇ ਚਾਲੇ ਉਧਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਮਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਫਦਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਫਦ ਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਡੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਸੰਜੇ ਯਾਦਵ ਨਾਸਰ ਹੁਸੈਨ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੇਚੁਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਨਤੀਜੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੂਜੀ ਨਿਜਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਓਬਜ਼ਰਵਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨਿਜਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੀਜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਚੌਥੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪੰਜਵੀਂ ਜਦੋਂ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਰੀਕਨਫਰਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਧਰ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। बी पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए, जो प्रावधान अभी भी है उसी को रूल किया जाए। चार मांगे इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की है। हमने मांगा है और अनुरोध किया है माननीय इलेक्शन कमीशन से कि वो सभी अधिकारी जो काउंटिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं उनको पूरी तरीके से काउंटिंग प्रोसेस की जानकारियां दें, उनकी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से की जाए और छोटी से छोटे विषय जो काउंटिंग प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है उसको बड़े गंभीरता से, गहराई से और संभल के किया जाए, जिससे किसी भी प्रकार का डिविएशन या बदलाव कोई भी स्टेशन में देश भर में काउंटिंग में ना हो। साथ ही साथ हमने मांग रखी है कि जो काउंटिंग प्रोसेस है और उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, जो 1.5 करोड़ अधिकारी पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जुड़े थे, उसमें से जो लोग काउंटिंग में जुड़े हैं उनकी और सभी काउंटिंग एजेंट्स की भी सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए कड़े कदम उठाए जाएं और